नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा से सरायगढ़ और झंझारपुर के रास्ते आनंद विहार तक चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि 1 नवंबर को आखिरी फेरा चली है और उसे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी जो ट्रेन है कटिहार से अमृतसर जो कि वाया फारबिसगंज सरायगढ़ और झंझारपुर के रास्ते चलती थी, वो भी ट्रेन जो है वो आखिरी फेरा चल चुकी है। इन दोनों ट्रेनों को परमानेंट करने के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, सोशल मीडिया पर प्रयास किए गए और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों ने प्रयास किए। सांसद हो या फिर विधायक हो, इन सब को लोगों ने कहा। सांसद महोदय ने भी एक बार प्रयास ज़रूर किया, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी ने, फिर नीतीश मिश्रा जी ने प्रयास किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेन जो है वो परमानेंट हो पाएगी। जबकि गरीब रथ और कटिहार अमृतसर स्पेशल दोनों ही ट्रेन हमेशा से वेटिंग लिस्ट में चली, इसके बावजूद रेलवे को क्या मजबूरी थी कि इस ट्रेन को बंद करना पड़ा। हालांकि गरीब रथ वैसे भी कई कई घंटे लेट चलती थी, लेकिन इसके टाइम को सुधार करके चलाया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब लोगों की डिमांड अलग आ रही है, लोगों की डिमांड ये आ रही है कि हमेशा के लिए ये ट्रेन जो है बंद हो गई है। आप जो है वीडियो बनाइए, जो कि पैशन ऑफ गेमर ने हमें लिखा है कि अब सहरसा वाला जो दोनों अमृत भारत ट्रेन को वाया सुपौल सरायगढ़ निर्मली झंझारपुर होकर चलाना चाहिए, इस पर वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल मैं उसी पर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो सहरसा से दो ट्रेनें प्रस्तावित है, दो अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत तो अलग है, अमृत भारत एक्सप्रेस है जिसका कि प्रस्तावित है। अभी उसका रूट मैप तैयार नहीं किया गया है, लेकिन उसके जो रूट मैप जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, सहरसा से एक तो दिल्ली के बीच चलेगी जो कि वाया वही खगड़िया और उसी रास्ते से चलेगी। दूसरी जो ट्रेन होगी सहरसा से अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस, उसको भी उसी रूट से चलाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वही है कि यहाँ पर लोगों की डिमांड आ रही है कि इस ट्रेन को ये सुपौल और झंझारपुर के रास्ते चलाया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में लोगों को एक सुपर फास्ट ट्रेन मिले। गरीब रथ तो बंद हो ही गई है, तो सुपर फास्ट ट्रेन मिले, इस पर वीडियो बनाइए और उस ट्रेन को यहाँ पर लाने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल मैं इसके लिए जो है वो प्रतिबद्ध हूँ और मैं कोशिश करूँगा इन दोनों ट्रेनों को, दोनों में से कम एक ट्रेन तो इस रूट पर चलना ही चाहिए। एक भले ही सहरसा से चले, लेकिन दूसरी जो ट्रेन है सहरसा अमृतसर, उसको कम से कम सहरसा से सुपौल और सरायगढ़ झंझारपुर के रास्ते चलाया जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी पहल हो सकती है रेलवे की और यात्रियों को भी भरपूर फायदा मिलेगा। क्योंकि पंजाब की तरफ जाने वाली ऐसी ट्रेन सुपर फास्ट अगर मिले तो फिर सहरसा में भीड़ भी कम होगी और लोगों का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा इस रेलखंड पर। तो इसको लेकर मैंने ये वीडियो लाया है, बाकी आगे भी मैं प्रयास करता रहूँगा इस ट्रेन को कम से कम एक ट्रेन कम से कम सुपौल के रास्ते सरायगढ़ के रास्ते चलाया जाना चाहिए इन दोनों में से, क्योंकि तीन तीन ट्रेनें आप जो है नई सहरसा को दे रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अलग रूट से भी चला सकते हैं। ऑलरेडी मानसी खगड़िया रूट पर बहुत सारी ट्रेनें हैं, तो झंझारपुर रूट अभी नया है, तो इस रूट से आपको ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाना चाहिए, ताकि मिथिला की जो डिमांड है, जो मांग है, वो पूरी हो सके। और मेरी यही गुजारिश है और सांसद महोदय जितने भी हैं इस रूट में, उन सबको भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है सहरसा से, हालांकि इसको लेकर अभी कोई परमानेंट डेट नहीं आया है, लेकिन चलेगी तो ज़रूर, तो उस ट्रेन को यहाँ लाने की ये लोग जो प्रयास करें, लाने का कष्ट करें। और मैं भी लगातार इस पर वीडियो लाता रहूँगा, बाकी आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने सांसदों को, विधायकों को, डिवीज़न को, रेल मिनिस्टर को टैग करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। हम अपनी आवाज़ लेकर के आते रहेंगे, अपनी आवाज़ जो है उठाते रहेंगे, आप सभी का आवाज़ जो है हम उठाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो यही कहना था, पैशन ऑफ गेमर ने हमें लिख कर भेजा था कि इस पर वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल मैंने आपका वीडियो मैंने बना दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कौन सी ट्रेन के बारे में सोचते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।